नहीं सुन रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा। धीरे चल का जाओ, दो बार सीधे ढीले में चढ़ के जाओ, तेज तेज। मैं विश्वास करूंगा, सही करवा मेरे परीक्षा सही है, चल रही है। भाई जो ठीक है तो देखो, चेक करके प्रमाण ले, उसकी रिपोर्ट मांगो, चेकअप करा, जब तो पता लगेगी। अब इसका चेकअप क्या, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी कि ये सांस जो है, सांस उसको कहते हैं, इसके फेफड़ों पे सूजन है, इस लेडीज के जो भाई है, इसके फेफड़ों पे सूजन है। और सूजन से क्या होता है कि सुबह के टाइम वो सूजन बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तो सांस को खिंच खिंच के लाती है, तो उसको सांस की बीमारी कहते हैं। अगर उसका ट्रीटमेंट सही तरह कर दिया जाए, करम सू, तो मैं कह रहा हूं मुर्दा भी बैठा हो जाएगा। ये तो सांस की बीमारी है बेटा, तू बता। छत पे स्कूल के देख, जैसे भी दिक्कत होती हो करके देख, मैं ऐसे तैयार हूं। हाँ बताओ बताओ, मुझे खुशी बता दो। उतने फूला कुछ कम करो, करके खड़े हो, फिर जय बाबा जय माता करो। चलो भैया बोल, सांस तो तेरा इस टाइम घुट नहीं रहा बेटा, अब जो खड़ी है तू, तेरा सांस नहीं उठ रहा। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, तू भजन पर ध्यान लग भी, तेरा स्कूल अभी चल रहा है, उसका रुक गया। इस टाइम तेरा सांस तो चल नहीं रहा है, टॉयलेट जाओ, चेक कर दो क्या स्थिति क्या है, जाओ। भैया गांठ वाले भी खड़े हो जाओ, गांठ वाले भी खड़े हो जाएं, आदमी हो या लेडी, ये मत कहना हमारा नंबर नहीं आया। अच्छा आपके भी गांठ है हाथ में? अच्छा ये एक ही हाथ में है या खड़ी कर रही हो? अच्छा आप बहता देखो तो चले जाओ। पिछले शनिवार को माइक, अच्छा अच्छा खड़ा हो जा, इसकी जगह कोई और नया चेला चल जाए, करो खड़ा हो जा। हेलो, तो फिर वे रात को तो इलाज नहीं ले गए थे, सुबह को फिर चले गए थे। अच्छा, तो उसके बाद भाई बोले हम तो ऐसे तो वहाँ आए थे और काफी आराम है, तुमने वही जगह। अच्छा वो दौन में आए थे? हाँ जी। कहाँ से? ये पड़ोस में आए थे, सिलाना गाँव। अच्छा अच्छा अच्छा, दो बच्चे थे वे, अब इससे हो रहे हैं बच्चे। अरे उन्हें तो आज आना था, वो आए नहीं। वो तो अरे उसकी नाड़ में गांठ है बड़ी मोटी, उसको तो मैंने दोज पे बुलाया है। देखो उनके उपाय भी बता रहा हूँ, उनको मैंने दो शनिवार बुलाया था, तो उन्होंने एक शनिवार तक उसको करवा लिया, और दूसरे शनिवार पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अरे उसकी गारंटी लिख के गारंटी है, उसकी नाड़ का जो है इतनी मोटी गांठ, उसको माँ बस की दौज में फिर भी ही दिखा दूंगा सब। बस इतना हुआ है कि एक भोगजू थोड़ी सी 19 दिन पिघली थी जी। है? हाँ बता रहे थे ना, 19-20 पिघली है, फिर वही तो नहीं रुक गई है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अच्छा अच्छा मैं ये कहता हूँ कि जो उपाय मैं बताऊँ उसे मंजू करके देखो, गारंटी है बाबा जी निराश ना जान दे, हम पे कुछ नहीं है, जो भी है अंदर है, जो बैठे हैं अंदर करने वाले वही हैं, हम तो एक सिर्फ माध्यम है, हमारे कोई शक्ति सिर नहीं आती है। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत से टांग हला रहे हैं, नाड़ हला रहे हैं, मोहनदाम आ रहे हैं, काली आ रही है, कोई कुछ बता रहा है, मेरे सिर कोई नहीं आता। हमारे तो सिर कौन आता है, जिंदे गुरु की कृपा है, जो गुरु ने भजन दिया है उसका प्रताप है, उसे दिखा रहे हैं कि भजन ऐसा होता है। कि आज 3 साधु मेरे साथ आ रहे थे, सुबह सुबह वो मिल गए, उनके रूप में जाया,
मन के बाबा जी वो कदर ने नहीं मानेगी। अगर भजन करने वाला बाना पैर के कुत्ते में कभी निकल जाए तो वो भी नीचे झुक जाएगा। कर्म में तो वो शक्ति होती है, अब तुम्हारे पास कर्म नहीं है, तुम जिगे जिगे फिर रहे हो, थिए पे बैठ के पूज जाओगे, कर्म इतना बनाओगे जो अपनी जगह पे आए। तो वो फिर आए हैं, तो एक हमारे गौरव त्यागी हैं, महल वालों के रिश्तेदार हैं, उन्होंने एक कमरा तैयार करवाया तो मैंने अंदर बैठाए। तो मैंने कहा देखिए कर्म ऐसी चीज है कि जो आदमी का कार्य बनेगा वो अपना आप ही खुश होकर दान देता है। ऐसा लग रहा है कुछ नए भी हो, एक आध पुराना होगा। अच्छा अच्छा चलो, जो नहीं देख सकते उनको फिर मैं वैसे बता दूंगा, ठीक है। जो देख सकते हैं वो अपनी गांठ को चेक कर लें, और दर्द वाले जैसे इनके दर्द भी है वो भी देख लें कि कितना दर्द है, और जब मैं पूछूं जब बताते चले जाना, आंख में इसके जय बाबा की जय माता कर लो, कुछ उधर को मुंह कर लो। अरे ये मोम, अरे ये और तो नकल मंदिर और क्यों, अरे ये इधर को कर लेंगे कावा की ओर को। चलो ठीक है, बोलो भाई आप बोलो। साई तक मेरे पास नहीं है। वाले से पूछियो आप कितना दर्द है, आप शरीर में कितना दर्द है। गर्दन में तो उतना ही है। गर्दन में उतना ही है, और गांठों में। गांठों में कुछ हल्का सा है। कुछ हल्का सा है, आंख में इतना। आप देखना गर्दन में जी कुछ पड़ा। आप कैसे पड़ गए हो, इसका मतलब तुम भजन नहीं कर रहे। अगर करते तो फिर आप कैसे बता रहे हो, अभी दो मिनट भजन नहीं करेंगे। एक बार और आप मीजिए, आँख नीचे रखना। और देखो आराम है, आप कैसे हो गए। ये लाली है आपकी, ये लड़के की घरवाली। अच्छा ये लाली जादू मार रही है बैठी बैठी। और आंख मिचो एक बार तो मैं फिट बनाता हूँ। मैं देखो आंख खुल गए, हैं? अब तो है आ रहा हूं। देखिए ये आपकी गांठ और ये दर्द, जब तक जीवन है ये नहीं होगा आपके, लेकिन करना क्या होगा, दो शनिवार आपको यहां आना होगा, दो शनिवार आना होगा और एक दौज और आना होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी मर्जी, आप दौज में आना है मत आना। दौज में इसलिए बुला रहा हूँ कि आने वाली जो दौज है इस बीच में आप दो शनिवार आओगे मेरे पास, और आने वाली दौज पे हैं सबके सामने ये बता के जाओगे जितना से मेरे कार्य हुए हैं उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक, इसलिए आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना। चले जाओ आप मंदिर में धोना पर चले जाओ। अरे भैया कहाँ गए, करो जल्दी जो पीली धोती में है। अरे अब कैसे है तू, आप तो नहीं फूल रहे ना सांस है, आज के बाद सांस फूले तो अगली दौड़ में बता देना, ठीक है। जा जल्दी जल्दी में, और आठवें दिन कहाँ है इसके घर कोई है इसके साथ, इसको आठवें दिन गुलाबी फिटकरी देनी है, ठीक है। दो बार देनी है आठवें दिन, जैसे अब आठवें आज दे दी कि आठवें दिन बाद देनी है, उसके बाद मुझसे फोन करना है, उसके बाद इसका सांस नहीं फूलेगा, दौड़ में खड़ी हो कह देगी मैं ठीक हूँ। जाओ भगे जल्दी जल्दी जाओ जल्दी। फिर क्या खा रहा है, भैया ये कहाँ है, ये जो हरी धोती वाली के सामने जो खड़ी है, आ गए आ गए। क्या नाम है तेरा बीबी, वंदना। देखिए सुनिए इनके घर वाले कहाँ हैं, किधर दुबक रहे हैं भाई। देखिए मेरी आपकी
लाली एक बात हुई थी पीछे लॉज में, मैंने कहा था तुम्हारी वसूली कम हो गई है, हैं? 9 mm की थी, कितने mm की थी, हैं? नहीं, शुरू में कितने की थी? 28 mm की, 28 mm की इनके अंदर वसूली थी और वो 6 mm की रह गई थी। हमारे करने से 28 mm की रसोली जो उसमें थी ट्यूब में, है नी, और वो 6 mm की रह गई। अब 6 mm की को हमने ये कह दिया था कि अगर तुम्हारे घर वाले दारू छोड़ देंगे तो जाओ अगली दौर तक वो भी खत्म कर दी जाएगी। आज वो समय आ चुका है और वाकई में तेरा आदमी अब कुछ पालन कर रहा है, हैं? ठीक है, तो पालन भी हो रहा है तो हम आज अपने वादा पूरा कर दें। आज तेरे वो 6 mm की रसोली में खत्म करने जा रहा हूँ। अब जो चेकअप करा के जो रिपोर्ट लाओगे तो नॉर्मल रिपोर्ट लेके दिखाओगे यहाँ पब्लिक। जो 28 mm की रसोली वो 6 की रह गई और 600 आज बिल्कुल खत्म करने जा रहा हूँ मैं तेरी रसोली, ठीक है? और अगर इसने एक दिन भी गलती कर दी तो 29 mm की बन जाएगी, ये ध्यान कर ले। तो एक पंथ दो काज, इससे बढ़िया खाड़ा पे मिल जाएगा जो एक साथ दो काम कर रहा हो। दारू भी छुड़वा रहा है और लोग भी काट रहा है, ठीक है? तो ये अगर तुमने इस बात का पालन कर लिया तो ये मेरा वादा है, इसके अंदर समय कोई रोग नहीं रहेगा। चेकअप करा लेना कहीं से भी, कभी ये नहीं है, मैंने आज तक किसी को ये नहीं बताया फलाने जगह कराओ, कराओ कहीं भी, लेकिन तुम्हारी दारू इनकी रसोली इनके रोगों को सब खत्म करने जा रहा है। और थोड़ी सी और दिक्कत तुम्हारे अंदर है उसे भी तुम्हारी दूर करूँगा, ठीक है? जाओ बीवी रहो वहाँ पल्ली और चले जाओ। अब तुम्हारे दर्द वर्द तो कुछ है नहीं, हाँ। अरे वो यहाँ से कहाँ चले गए? अच्छा वो वहाँ गए पल्ली तरफ।